Assalamu alaikum viewers welcome back to Snanca Kitchen आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में अफतार स्पेशल में दावत रेसिपी लेकर आई हूँ तीन ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूँ जो आप लोग हर दावत में बना सकते हैं जिससे आपकी दावत जो है वो यूनिक लगेगी तो बग़ैर देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने बोन ये जो बोन्स है ना, इसकी लेग्स जो हैं चिकन की ये ली हैं और इसके ऊपर मैंने थ्री टेबल स्पून लेमन छिड़का टू टेबल स्पून विनीगर ये किलो जो है इसके लेग पीस हैं वन टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर वन टी स्पून अजवाइन वन टी स्पून रेड पेपर वन टी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून इसमें डाला है धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर वन टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी और वन टी स्पून इसके ऊपर मैंने डाला है तिक्का मसाला और कसूरी मेथी को मैंने हाथ पे मसल के इसके ऊपर डाल दिया है वन टी स्पून इस पर गर्म मसाला पाउडर भी डाला है क्योंकि गर्म मसाला पाउडर के बगैर मजे का नहीं बनता और वन टी स्पून इसके ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है इनको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया लेग पीसीस को और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से जितना ये मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा ये शाम को मैं फ्राई करूँगी एक आ, मैं प्रेशर कुकर में दो गिलास पानी लिया उसमें किलो बीफ जो है हड्डी वाला जो है बोन वाला ना वो लिया इससे टेस्टी बनती है बीफ शिनवारी कढ़ाई वन टी स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वन टी स्पून नमक डाल के मैं इसको आ, प्रेशर कुकर पे बॉयल कर लूँगी बीस पच्चीस मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में ये जितना अच्छा ये गला हुआ होगा उतनी आपकी कढ़ाई अच्छी बनेगी अच्छा उसके बाद नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं ये मैं चिकन पॉप्सिकल्स बनाने जा रही हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे हेल्दी भी होते हैं इनमें चिकन होता है ये मैंने तीन चार आलू लिए हैं इनको बॉयल किया था अच्छे तरीके से इनको ठंडा खा लिया था ठंडा इसलिए ताकि लेस ना बने वन टी स्पून इसमें चिली फ्लैक या धड़ा मिर्च डाली है वन टी स्पून कसूरी मेथी डाली है और इसके अलावा वन टी स्पून इसके ऊपर डाला है धनिया पाउडर मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है वन टी स्पून नमक और वन टी स्पून जो है धनिया पाउडर डाला है इसके ऊपर और वन टी स्पून इस पर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर आप अपनी मर्ज़ी से ये स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये सही है इतने के लिए आप मिक्सड हर्ब या औरिगानो भी डाल सकती हैं इसमें मैंने ये ब्लैक पेपर डाली है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चिकन चिकन मैंने बॉयल कर लिया था बॉयल करने के बाद रेशे में कन्वर्ट किया है ये चार पाँच बोटियाँ हैं चिकन की उनके मैंने रेशे का लिए और इसमें डाल दिया आप ज़्यादा भी चिकन डाल सकते हैं इतने के लिए इतना ही काफ़ी है वैसे अच्छा तो ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं ये आइसक्रीम की स्टिक्स बाज़ार में मिल जाती हैं गोल बॉल बा, सा बनाया मैंने उसके अंदर ये स्टिक रखी है और इसको पॉप्सिकल की शेप दे लेनी है ये थोड़ी सी जो चिकन रोज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है होटल स्टाइल है बहुत अच्छे बनते हैं और ये चिकन पॉप्सिकल की बिना और शिनवारी कढ़ाई की भी ना, ना। ब्लैक पेपर डालते हैं तो बहुत लाइट बनती है तो रोज़ों के लिए अच्छी होती है अच्छा ये मैंने बना लेने हैं और इनको भी मैंने फ्रिज में रख देना शाम को मैं इनको फ्राई करूँगी अब मैं शाम का टाइम हो गया है तो ये मैं फ़्राई करने लगी हूँ दो अंडे लिए मैंने पैन के और ये मैंने लिया है मैदा मैदा लिया एक प्लेट में और एक में ब्रेड क्रम्स लिए अच्छा ये मैंने पहले इसको मैदे में कोट कर लेना है उसके बाद अंडे में किया एक हाथ से मैंने और दूसरे हाथ से मैंने इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स डाले हैं ये बहुत अच्छी कोटिंग हो जाती है ये जो मैदा होता है इसे क्रिस्पी ये बनेगा और अंदर भी ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर भी तो इस तरीके से ये मैं बना लूँगी ढेर सारे अच्छा जी ये मेरे रेडी हो गए हैं तो अब मैं इनको साइड पे रखा है और ये जो है जो लेग पीसीज थे इनके ऊपर मैंने दो टेबल स्पून मैदा डाला है और दो टेबल स्पून ही मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्रॉर और ये बाकी जो अंडा नहीं बच गया था जो उनके ऊपर चिकन पॉप्सिकल्स के ऊपर लगाया था वो इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छा जी ये मेरी जो गोश्त है ये बीफ है ये गल गया इसको मैंने कढ़ाई में डाला है इसका पानी खुश का लूँगी उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी इसके नम इसके अंदर नमक और लहसुन अदरक था तो बाकी और अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें ब्लैक पेपर सब मिर्च और टमाटर डलता है बस अच्छा ये अच्छा घी आप लोगों ने गरम कर लेना है ताकि इसका बैटर ऊपर से उतरे ना और इसके अंदर पेल डालना है जब ये डाल लें आप लोग तो उसके बाद ना जब ये अलहदा हो जाए इसे तो फिर आहिस्ता आँच पे इसको पकाना है क्योंकि जितना गला होगा हो ना अंदर से कच्चा ना रह जाए इसमें ये मसला होता है तो आप लोग ने आस्ता आँच पे इसको पकाना है पहले गर्म में डालना है और फिर आिस्ता आँच पे इसको फ्राई करना है अच्छा जी ये दो दोनों साइडों से जब अच्छा गोल्डन बनाउन हो जाए ये कम से कम इसके पंद्रह एक मिनट लगते हैं आज तक आज पे पंद्रह से बीस मिनट इसको होने में जब आपको यकीन हो जाए साथ साथ मैं कांटे छुरी से के अन, से भी इसके अंदर ना ऐसे कट से लगाती रहती हूँ जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना हड्डी का ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से जो है ना ये फ्राई हो जाए और ये बड़ा क्रिस्पी बनता है होटल स्टाइल में बनता है ये देखिए मैं छुरी से ऊपर से इस तरीके से अंदर से अच्छे तरीके एक काट लगा देती हूँ एक दो ताकि अंदर तक ये जो है ना फ्राई हो जाए और बहुत अच्छा बने अच्छा जी ये बन रहा है तो ये पानी तकरीबन खुश्क हो गया है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सारा ऑयल डालूँगी ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से भुनाइ की करनी है ताकि बीफ की स्मेल चली जाए तो ये मैं अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी अच्छा ये भुना गया है अब इसके अंदर बस दो तीन चीज़ें डलती हैं वैसे टमाटर पहले डालने चाहिए लेकिन मैंने इकट्ठे ही डाल दिए हैं जल्दी में टमाटर सबज़ मिर्चें सबज मिर्चें पाँच छः सब्ज मिर्चें थी और ये बड़ा टुकड़ा था दो इंच का अदरक का और ये टमाटर थे आधा किलो ठीक है मैंने ही डाल दिए लेकिन आप लोग पहले टमाटर डालें उनको थोड़ा नरम और नहीं दें तो उसके बाद फिर सब्ज मिर्ची और अदरक डालें और ब्लैक पेपर डालिए वन टी स्पून तो बस इसको मैंने अब हल्की आँच पर इसको जो है ना मैंने दम दे देना और ये इस तरह से दम पर ही तैयार हो जाएगी और इतने में मैं वो जो लेग पीस डाले उनको निकाल के तो फिर मैं दूसरे जो है ना फ्राई कर लेती हूँ अच्छा जी ये जो लेग पीसीज हैं ये मैं निकाल लेती हूँ ये पहले वाले रेडी हो गए हैं इसके बाद जो है मैं जिस इसमें सेकंड जो हाफ पड़े हुए थे वो डाल के भी निकाल लूँगी तो सेकंड वाले को मैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल रही अच्छा जी ये जो है ना मैंने ये भी डाला सेकेंड वाला कढ़ाई भी मेरी रेडी है इसको मैं डिश आउट कर लूँगी ज़बरदस्त किस्म की मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है बीफ कढ़ाई रेडी है अच्छा जी अब जो है आ, ये मेरी आ, मैंने डिश आउट कर लिया कढ़ाई को और अब मैं ये जो अपने ये वाले पीसीज हैं ये भी मेरे रेडी हो गए जो सेकंड वाले मैंने डाले थे इनको भी मैं डिश आउट कर लिया और ये जो अब चिकन पॉप्सिकल्स हैं है ना इनको मैं फ्राई कर लूँगी ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं अंदर से जो है ये बॉयल हुआ हुआ है सारा कुछ चिकन और ये और ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं मैं एंड वाला सीन जो है वो बहुत कम दिखाऊंगी बहुत जल्दी में थी ये मैंने एलुमिनियम फॉल से अपनी चिकन रोज को रेडी का जो है गार्निश कर लिया नीचे मैंने बंद गोभी रखी है ये कढ़ाई है जी और अगर आप लोगों को ये मेरी मेहनत पसंद आए डिशेज अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ये मेरा पहला व्लॉग है तो आप लोगों ने ज़रूर इसको सपोर्ट करना है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर لنا الله عبيز.